तो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, सुप्रिडिक्शन यूट्यूब चैनल में हमारे सभी दर्शकों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो की टॉपिक रहेगी एशिया कप 2023 की आठवां मुकाबला जो कि खेला जाने वाला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका पे। इस मैच की हम यहां पे पूरी एनालिसिस करेंगे, जानेंगे इनमें से कौन सी टीम इस मैच में विन करता हुआ दिखेगा, पिच रिपोर्ट से लेकर हेड टू हेड प्लेइंग 11 और दोनों टीम की कंपैरिजन हम यहां पे करने वाले हैं। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो में हम करेंगे इस कमाल सी मुकाबले की बहुत सारी बातें। बाकी यार टॉस सेशन मैच विनर इस मैच से अर्निंग का सारा प्रेडिक्शन बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, टेलीग्राम की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो में आपको हमारे सारा प्रेडिक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आगे आपको ऐसा ही मैच प्रेडिक्शन वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब चलिए यार बेहतर समीकरण के साथ बेहतर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो यार आर प्रेमदासा स्टेडियम पर श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। इस ट्रैक पर 72 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें से 73% मुकाबले फास्ट बैटिंग, 38% मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। अगर हम बात करें इस मैदान पर खेले गए लास्ट 5 मैच की तो इस 5 मैच में से यहाँ पे फास्ट बैटिंग करने वाली टीम 60% मैच अपने नाम किए हैं और यार फास्ट बॉलिंग करने वाली टीम 40% मैच अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। इस वेन्यू की एवरेज फास्ट इनिंग्स में 236 रही है, सेकंड इनिंग्स की एवरेज 209 रह चुकी है। यहाँ की हाइएस्ट टोटल रही है ऑस्ट्रेलिया के नाम 292 पर 4 विकेट, लोएस्ट टोटल रही है श्रीलंका के नाम 125 पर 10 विकेट, और भी दोस्तों हाईएस्ट चेस रही है 292 पर 4 विकेट श्रीलंका के नाम। यहाँ की लोएस्ट डिफेंड भी जो है वो भी रही है श्रीलंका के नाम 203 पर 9 विकेट। इससे दोस्तों ये क्लियर हो जाता है यहाँ पे जो भी कप्तान टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करेगा उसके लिए इस पिच पर ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ज्यादातर मैच डिफेंड होते हुए देखने को मिलती है। पिच की बिहेवियर के हिसाब से ये पिच गेंदबाजों को फेवर करता है, खास करके दोस्तों स्पिन गेंदबाजों का यहाँ पे दबदबा देखने को मिलती है। पिच ज्यादातर गेंदबाजों को सपोर्ट करता है, इसी वजह से हमें यहाँ पे ज्यादातर मैचेस लो स्कोरिंग वाला देखने को मिलती है, बल्लेबाजी यहाँ पे इजीली सेट नहीं हो पाते। हाँ लेकिन एक बार सेट हो जाते हैं तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भी देखने को हमें मिलते हैं। 57 विकेट स्पेसर्स अपने नाम किए हैं तो स्पिनर्स 97 विकेट अपने नाम दर्ज किए हैं। अगर हम एक बार इस वेन्यू की एवरेज स्कोर के ऊपर नजर डालें तो जिसको सेशन बोला जाता है तो आपको 10 ओवर में यहाँ पे 45 तक का स्कोर दिखेगा, 20 ओवर में यहाँ पे 87 से लेके 90 तक का स्कोर बनता हुआ देखने को मिल जाएगी, 35 ओवर में यहाँ पे 155 तक का स्कोर बनता हुआ दिखेगा, 40 ओवर तक यहाँ पे 180 से लेके 185 तक का स्कोर बनता हुआ देखने को मिलेगी और आखिरी के 50 ओवर तक यहाँ पे 165 तक का स्कोर बनता हुआ देखने को मिल सकती है। दोस्तों ऐसा ही कुछ सेशन हमें इस मैच में देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों इसमें से कौन सी सेशन एस होगा कौन सी सेशन नो होगा उसकी एक्यूरेट प्रेडिक्शन हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, या से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अब दोनों टीम्स की ओर। सबसे पहले दोस्तों हम एक बार पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डालें तो ये जो मुकाबला सुपर फोर की सेकंड मुकाबला खेला जाएगा, सुपर फोर की पहला मुकाबला खेला गया था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। उस मैच में पाकिस्तान की टीम बेहतर प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा के सुपर फोर की पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर जगह बना चुकी है। ये सुपर फोर की दूसरा मुकाबला तो खेला जा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में, लेकिन इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया पाकिस्तान की पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द किया गया था, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अब जो मैच खेला जाएगा दोनों टीम की तरफ से करो और मरो वाली खेल हमें देखने को मिलेगी। सुपर फोर की पॉइंट टेबल में दोस्तों पाकिस्तान की टीम पहले स्थान पर मौजूद है, दूसरे स्थान पर टीम इंडिया रही है, 3 पे श्रीलंका और 4थे नंबर पर बांग्लादेश मौजूद है। अगर हम इन दोनों की हेड टू हेड की रिपोर्ट की बात करें तो इन दोनों टीम के बीच में अभी तक टोटल 50 मैच में आमना सामना हो चुकी है। इन 50 मैच में से श्रीलंका की टीम 41 मैच अपने नाम किए हैं, बांग्लादेश की टीम सिर्फ 9 मैच में जीत दर्ज कर पाई है, यानी कि बांग्लादेश के ऊपर अभी तक श्रीलंका की टीम बहुत ही भयंकर भारी पड़ी है। अब यार वीडियो में चलेंगे आगे और जानेंगे इन दोनों टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 को। पिछले मैच में जो जो प्लेयर्स खेले थे वही प्लेयर्स इस मैच में खेलने वाले हैं या फिर इनके प्लेइंग 11 में कुछ बड़ा बदलाव किया गया है, चलिए सब कुछ विस्तार में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों श्रीलंका की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के ऊपर नजर डालें तो इनके टॉप ऑर्डर में दिखेंगे डायमुथ करुणारत्ने, प्रथम निशंका, कुशल मेंडिस और सदर समेरा विक्रमा। इनके कुशल मेंडिस, प्रथम निशंका और करुणारत्ने ये तीनों बल्लेबाज इस मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए हमें देखने को मिल सकती है। कुशल मेंडिस पिछले मैच में 84 गेंद पर 82 का स्कोर बनाए थे, प्रथम निशंका भी 40 गेंद पर 41 का स्कोर बनाते हुए देखने को मिले थे, करुणारत्ने 35 गेंद पर 32 का स्कोर ठोकते हुए देखने को मिले थे। बाकी इनके मिडिल ऑर्डर में देखेंगे चरित श्रीलंका धनंजय डी सिल्वा, दासुन सनका, दुनित वेलेलेज, इनके बाद देखेंगे महेश देक्साना, मदीसा पथिराना और आखिरी में कासुन रजिता, ये सारे खिलाड़ी श्रीलंका की तरफ से खेलते हुए हमें नजर में आने वाले हैं। इसके अलावा हमें एक बार बांग्लादेश की प्रोबेबल प्लेइंग 11 को देखें तो इनके टॉप ऑर्डर में आपको दिखेंगे मोहम्मद नईम, हसन मिर्जा, लिटन दास और शकीब अली हसन। ये चारों खिलाड़ी बांग्लादेश की टॉप ऑर्डर में हमें देखने को मिलेंगे। इनके टॉप ऑर्डर में से मोहम्मद नईम और शकीब अली हसन का शानदार बल्लेबाजी हमें इस मैच में देखने को मिल सकती है। पिछले मैच में शकीब अली हसन ने 57 गेंद पर
53 रन बनाए थे। मोहम्मद नाइम 25 गेंद पर 20 का स्कोर बनाते हुए देखने को मिले थे। इनके मिडिल ऑर्डर में देखेंगे तो भी धीड़ोई मुश्तफिकर रहमान, इनके मिडिल ऑर्डर में मुश्तफिकर रहमान का भी हमें अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने लास्ट मुकाबले में 87 गेंद पर 64 रन बनाते हुए देखने को मिले थे। इनके बाद देखेंगे समीम हुसैन, अफीब हुसैन, किन अहमद, शरीफुल इस्लाम और आखिरी में हसन मोहम्मद खेलते हुए नजर में आएंगे। दोस्तों ये तो हो गए दोनों टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11। इस मैच में यही सारे खिलाड़ी खेलते हुए नजर में आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों इन सारे प्लेयर्स में से आखिरी मोमेंट में कोई भी बदलाव होता है उस नई प्लेइंग 11 की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों दोनों टीम की लास्ट 5 मैच की फॉर्म के ऊपर भी नजर डाल देते हैं। श्रीलंका की टीम लास्ट के 5 मैच में बैक टू बैक 5 के 5 मैच में जीत हासिल किए हैं। और यार बांग्लादेश की लास्ट 5 मैच की फॉर्म को देखे तो इन्होंने लास्ट के 5 मैच में से 2 ही मैच में जीत पाए हैं, 3 मैच में इनको हार झेलना पड़ा है। ओवरऑली दोस्तों दोनों टीम की बात किया जाए तो यहाँ पे हर तरफ से बांग्लादेश के ऊपर मुट्ठी मजबूत रही है, श्रीलंका की पगड़ा भारी दिख रही है। आखिरी में चलिए जान लेते हैं इस मैच को इन दोनों टीम में से कौन सी टीम विन करने वाला है। दोस्तों हमने यहाँ पे सारे स्टैक्स, सारे रिपोर्ट, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद, दोनों टीम की हेड टू हेड रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और दोनों टीम को कंपैरिजन करने के बाद हमारे तरफ से इस मैच की विनर टीम रहेगा श्रीलंका। इस मैच में श्रीलंका की टीम बांग्लादेश को हराती हुई दिखेगी। दोस्तों हमने तो हमारे तरफ से इस मैच की विनर टीम दे चुके हैं, लेकिन आपके मन में क्या राय, आपके कीमती राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी आपके ही प्रॉफिट के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए लगाता हूँ इस वीडियो पर लगाम, फिर मिलेंगे क्रिकेट की तमाम अपडेट और प्रिडिक्शन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।